यू मेयर असलामुअलैकुम, वेलकम टू हसन माय चैनल। होप यू आर प्रोडक्शन। डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। इस वक्त 3:40 हो रहे हैं और मैं कराची कैंट रेलवे स्टेशन पे मौजूद हूँ। 4 बजे पाक बिजनेस एक्सप्रेस का डिपार्चर है और मैं कराची से लाहौर जा रहा हूँ। ओ तो भाई, केड़े 4 बजे? 4 बजे? दोपहर के 4 बजे डे में? चल मेरा भरा सो भी, नींद बहुत आई है। चल मेरा ओहो भरा, चल मेरा सॉरी, भरा, शाम के 4 बजे। तो अमेर हसन्स प्रोडक्शन। फाइनली दिन के 3:40 हो चुके हैं और पाक बिजनेस एक्सप्रेस का रेक 7 नंबर प्लेटफॉर्म पे प्लेस हो रहा है। तो आज कराची से लाहौर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो पूरी जर्नी कैप्चर करेंगे। काफ़ी एक्साइटमेंट रही है कल से, तो अभी रहेगा आ रहा है। तो लेट्स बिगिन द जर्नी। बात करें तो वही 6 बर्थ्स हैं। उसके बाद नीचे डस्टबिन है, उसके साथ मोबाइल चार्जिंग सॉकेट है, अच्छी बनी लगी हुई है। ग्लास हैंगर्स है, ब्लाइंड है, और थोड़ा वॉल्यूम कंट्रोल स्विच है, और लाइट और फैन के बटन है। बिजनेस क्लास कोचिज चाइनीज है और CNR कोचिज है, आपने पहले भी देखी हुई हैं। तो कैबन है 6 पैसेंजर्स का, और फैन, डिफ्यूज़र, लाइट, और मज़ेदार की चीज़ ये है कि LED भी लगी हुई है, साथ एंड्रॉयड बॉक्स भी लगा हुआ है, और अच्छी सर्विसेज हो गई हैं पार्क बिजनेस में भी। इनिशियल हॉर्न हो चुका है, तो दैट वाज रियली हॉरिबल वन। इतने करीब से G40 इज ऑलवेज। लेट्स बिगिन द जर्नी। सो बैंक ऑन टाइम डिपार्चर हो गया, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। 9:10 राइट टाइम स्केड्यूल्ड अराइवल है लाहौर में। 33 है आपका, So for Rem and Frampek Rail lovers, PK saying goodbye. डस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो अपनी सुरक्षा अपनी जिम्मेदारी है। और मेरे सिर पे सफ़र बड़ा मज़ेदार जा रहा है।
हैदराबाद में बिल्कुल राइट टाइम ट्रेन अप्रोच कर गई है। काफ़ी सारे स्टॉल्स नज़र आ रहे हैं, गैमा गैमी है हैदराबाद जंक्शन पे। कुछ मिनट्स का ही स्टे है यहाँ पे। 5 मिनट के स्टे के बाद हैदराबाद से मूव हो गई गाड़ी और रैक इतना लंबा है, 11 नंबर कोच में हम बैठे हैं और यहाँ पे विसल की आवाज़ नहीं आ रही। ट्रैक साउंड बहुत ही स्मूथ और मज़ेदार है, कोई शोर नहीं आ रहा इस सेक्शन पे। मेन लाइन के ऊपर तो ट्रैवलिंग का अपना ही मज़ा है। अभी हैदराबाद से चाय पी है और ठंडा पानी पिया, गला थोड़ा बैठा है, तो रोड़ी में जाके खाने का प्रोग्राम बनाएंगे। चलिए केले के बागात गुजरे हैं और बड़ा ही अमेजिंग सा सफ़र लग रहा है। ग्रीनरी है और स्मूथ ट्रेन की जो जर्नी है वो बड़ी स्मूथ है, बिना वजह का शोर शराबा नहीं है। फिर आ गए तो ये हैदराबाद का जो केला बहुत फेमस है कि वो एरिया सारा वो फार्म्स है और बीच में कहीं जामन भी लगा हुआ है और आम भी है। टंडो आदम का ये, अच्छा अच्छा वेरी गुड। चलो वक्त के साथ साथ ही तजर्बा होता है। आदम बाहर और टंडो भाई हमारे साथ बैठे हैं। वाह व्हाट अ ब्यूटी, काट दूंगा क्या था ये अंकल ने कहा है सजेशन, मैंने नहीं कहा इनको, इस्माइल भाई को मैंने नहीं कहा, बट इनकी आनी चाहिए, इनकी आनी चाहिए। आपने कहना है वाह नहीं, इनकी मासूमियत बड़ी अच्छी है, मासूम बहुत है, बहुत मासूम शख्स है ये। लेकिन वो इन्हीं के बारे में शायद ने क्या खूब कहा है, इनकी मासूमियत पे ना जाना। हाय हाय अगली लाइन मुझे भूल गई है। तो टंडो आदम के पास ट्रेन गुजर रही है, अब आम के बगाए शुरू हो गए हैं और साथ साथ जो जी का विसल सुनने में आता है वो बड़ा ही मजेदार लगता है। बहुत ही पुरसकून लगता है ये सारा मंजर देखने में। Skipping Tando Adam Station. तो नवाबशाह ट्रेन पहुंच रही है, तकरीबन आधा घंटा लेट आ रही है ऐप के मुताबिक। नींद भी गालिब आ चुकी है, फराज सोने का मूड बन रहा है क्योंकि एक बुकिंग भी है, इसी स्टैंडर्ड में भी जगह है और एक बार सिकॉनमी में भी ऑप्शन है जहाँ मर्जी। स्टेशन तो रौनक वाला ही है, चाल भी है मगर गाड़ी भागती जा रही है। स्टेशन पर चलती गाड़ी से उतरने वाली हरकत नहीं हो सकती। ट्रैवल और जी का विसल ना कैप्चर हो ऐसा तो हम होने नहीं देंगे, तो चलते हैं लोको की तरफ। बड़ा डिफिकल्ट काम होता है इतने, वो सिग्नल डाउन हो गया, इतने करीब से विसल कैप्चर करना। बहुत कोशिश करता हूँ मैं कि विसल के साथ मेरे हाथ शेक ना हो, मेरे एकदम दिल घबरा जाता है। चलो जी, और अब अगला टास्क अपनी आखिरी, दरमियान में कोच है 11 नंबर, तो इस तरह के स्टेशन से सवार होना भी है। Please don't forget to subscribe. Part 2 is coming soon.